गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स हिंदी वन चैप्टर लेसन नंबर वन भाषा लिपि एवं व्याकरण। पहले मैं आपको बताऊंगी भाषा क्या है। भाषा क्या है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने रखते हैं और दूसरे उस वाक्य को समझते हैं, उसको हम भाषा कहते हैं। अथवा हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं आपस में बातचीत का आदान प्रदान, एक दूसरे से जो बातचीत का आदान प्रदान करते हैं उसको हम भाषा कहते हैं। भाषा के बाद आती है लिपि। वैसे भाषा के तीन रूप होते हैं, एक सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। वैसे ज्यादातर मौखिक और लिखित भाषा का प्रयोग होता है, सांकेतिक भाषा का नहीं। सांकेतिक भाषा केवल पशु पक्षियों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। मौखिक भाषा वो होती है जो हम मुंह से बोलकर अपने विचारों को दूसरे के सामने रखते हैं, और लिखित भाषा वो होती है जिसको हम लिखकर दूसरों को बताते हैं। जैसे पत्र द्वारा हम किसी को लिखते हैं वो लिखित भाषा आ गया, टेलीविजन पर हम जो देखते हैं, मोबाइल पर हम जो बात करते हैं, ये सारी भाषाएं मौखिक भाषा के रूप में आती है। तो भाषा के तीन रूप होते हैं, सांकेतिक, मौखिक और लिखित। इसके बाद आता है हम आप लेंगे भाषा, आप पूरा लेसन पढ़ेंगे, इसमें पूरा एक एक दिया हुआ है, मैं आपको किताब की फोटो डालूंगी, आप उसको डिटेल में पढ़ के समझ सकते हैं। दूसरा है भारतीय संविधान में मान प्राप्त कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है जिसमें पूरी भाषाएं दी गई है। एक राष्ट्रभाषा होती है, मातृभाषा होती है। राष्ट्रभाषा कौन सी भाषा होती है? राष्ट्रभाषा उसे कहते हैं जो देश के अधिकांश क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषाओं को राष्ट्रभाषा कहते हैं। और मातृभाषा किसे कहते हैं? मातृभाषा वो होती है जो बच्चा सबसे पहले उस भाषा को समझता है और बोलना प्रारंभ करता है, वो हमारी मातृभाषा होती है। अब आती है लिपि। लिपि क्या है? लिपि मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में जो हम व्यक्त करते हैं, जिनमें हम विशेष चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है, उसको हम लिपि कहते हैं। सारी भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है, जैसे हिंदी भाषा की देवनागरी है, पंजाबी की गुरुमुखी है, अंग्रेजी की रोमन है, उर्दू की फारसी है, संस्कृत की देवनागरी है और बंगाली की बांग्ला है। इस प्रकार अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती है। अब आता है व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण हमें भाषा का शुद्ध बोलना एवं शुद्ध लिखना सिखाता है। कई बातों को हम गलत सेंस गलत बोलते हैं, आगे पीछे के शब्दों को अलग अलग यूज करते हैं, वो नहीं। व्याकरण हमको सही जगह पर सही मात्रा और सही शब्द का प्रयोग करना सिखाता है कि क्या है। व्याकरण वह शास्त्र जो किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने एवं लिखने के लिए उचित नियमों का ज्ञान प्रदान करता है, उसको हम व्याकरण कहते हैं। अब मैं इसकी आपको एक्सरसाइज किताब में फिल करके देख रही हूँ, क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट उसमें आपको क्वेश्चन आंसर इसके लिखवाऊंगी। अब आप इसकी एक्सरसाइज फिल कर सकते हैं। खा वालिए निम्नलिखित के सम्मुख प्रयुक्त भाषा का रूप लिखिए, निम्नलिखित राज्यों की बोली एवं प्रमुख भाषाएं लिखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये मैं सारे आपको अपनी किताब की फोटो कॉपी भेज रही हूँ, उसमें आप आराम से बैठ के लिखिए, अपनी कॉपी बनाइए और उसमें पूरा पूरा लिखना है, आपको पूरी एक्सरसाइज फिल करके लिखिए। धन्यवाद।